Fears. This is Metro Cash and Carry, Lahore, Pakistan, situated on Model Town Link Road. Welcome back, the Great Viewers. Thank you very much for joining the program live with YG Kamiana, and you are watching DNN Lahore, Pakistan. The Great Viewers, we are doing today's program, जो आपको यकीन बहुत पसंद आएगा और ये हर घर की आवाज है, हर घर की, हर किचन की ये जरूरत है और इस पे हम पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम कर रहे हैं. नॉन स्टिक पुराने तवे, किचन का पुराना सामान, पाकिस्तान में मुर्गी के ज़बह करने का अंदाज, फिर ड्रमों में डाल देना, फिर दो नंबर दूध, हर खुराक में मिलावट, अंडों में अंडों का बुरा हाल, पोल्ट्री का बुरा हाल, और हमारी जो पंजाब हुकूमत है, तमाम चारों सूबों की हुकूमतें यकीनन कोशिश कर रही होंगी, लेकिन अगर कड़ा हिसाब किया जाए, जो जो फील्ड स्टाफ है उनको खौफ खुदा दिलवाया जाए, तो हमारी जो ये जो गिरती हुई सेहत है, गिरते हुए अस्पतालों में भरमार है, थानों में भरमार है, तो इसमें यकीनन कमी आएगी. लेकिन इसके लिए किसी मसीहा की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं जितनी हमें अपने आप का जो जमीर है उसको मलामत करना चाहिए. हम जो कर रहे हैं, जो हमारे इदारों के मुलाजमीन हैं, अगर वो खौफ खुदा करें और वो सोचें कि जो अगर वो दयानतदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे तो गोश्त गलत बिकेगा. जब लाइफ स्टॉक का के इंस्पेक्टर साहब जानदारी से काम नहीं करेंगे, वो कसाब को नहीं पूछेंगे, वक्त पे जाके नहीं देखेंगे, स्टैंप नहीं देखेंगे, टैग नहीं देखेंगे, स्लॉटर हाउस में काम करने वाले जो इदारों के मुलाजमीन हैं, डॉक्टर साहबान हैं, जो स्केल चेक करने वाले हैं, बात तो ये है कि हर काम, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में गुजारिश की थी कि हर काम वजीर आला नहीं करते, वजीर आजम नहीं करते, हुकूमत के टॉप लेवल के नहीं काम करते, उनके अपने काम हैं, पार्लियामेंट का अपना काम है, लेकिन डाउन द लाइन ग्रास रूट पे तो काम मैंने और आपने करना है, इंस्पेक्टर साहबान ने करना है, टाउन्स के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने करना है, सैनिटरी वर्कर्स ने करना है, वासा के मुलाजमीन ने करना है, हमारा जो ड्रेन सिस्टम है वो वजीर आला या वजीर आजम या गवर्नर या डीसी या कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरी, इन्होंने तो नहीं करना, आप सबने करना है. हम जब काम ही नहीं करेंगे, जब फील्ड जब रोज डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से एक ट्विटर के ऊपर सब्जियों के रेट्स लिखे होते हैं, मैंने गुजारिश की थी डिप्टी कमिश्नर साहब, यकीन उनको ऑफिस जो उस पर एक लिस्ट छाप देता होगा, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास इतना टाइम कहां होगा कि वो खुद देखें, हालांकि वो एक खातून हैं, उनके घर में सब्जी आती होगी, लेकिन उनके घर में तो सब्जी कमाल आती होगी, गोश्त कमाल आता होगा, कमिश्नर साहब के घर में गोश्त कमाल आता होगा, सेक्रेटरी हेल्थ के घर में तमाम चीजें कमाल आती होंगी, बेकमाल तो हम आवाम के घर में आती है. तो जनाब हुकूमत वक्त, हुक्मरान जो वक्त के हुक्मरान है, ये नीचे जरा लगामे खींचे तो सब सीधा हो जाएगा, आप सीधे तो सब सीधा. जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब फील्ड स्टाफ जो है प्राइस कंट्रोल कमेटीज के जो जो भी अहलकारान हैं वो खौफ खुदा ही नहीं करेंगे, वो खुद एहतसाब ही नहीं करेंगे, वो चंद टकों के बस भेड़ियों को छोड़ देंगे. सारे 2 करोड़ की आबादी में हम देखते हैं जी के 70,000 रुपये जुर्माना कर दिया, 2 लाख रुपये जुर्माना कर दिया, किसी शॉप पे चले जाए, किसी आप जो टॉप लेवल के ब्रांडेड स्टोर हैं उस पे जो डीसी काउंटर बनाया हुआ है वो बायसे नदामत है, बायसे शर्म है. अब आइए डिप्टी कमिश्नर साहब, डीजी फूड भेजिए मेरे साथ, हम आपको नंबर बोल रहे हैं, हमारा नंबर इस पे डिस्प्ले हो रहा है, वी रिपीट इट, प्लीज कॉल, प्लीज कॉन्टेक्ट अस 0300-949-7766. वी रिपीट 0300-949-7766. आइए अपने हमें साथ लीजिए, चलते हैं, आपको बताएं कि आपकी लिस्ट क्या है, प्राइस लिस्ट क्या है और बाजार में क्या भाव बिक रही है, लोगों के साथ क्या सलूक क्या हो रहा है. आपको
कसाबों के नाम गिरवा देते हैं हम। ये मॉडल टाउन लिंक रोड पे अर्फ मटन, बाहर जाके देखिए क्या दुकान का हशर है। एफ ब्लॉक में जो मटन की शॉप है वो खालिद साहब नफीस आदमी है, अच्छा आदमी है, साफ सुथरा गोश्त देता है, लेकिन रेट जाके चेक करिए, मुस्कुरा के मिलेगा, सारा कुछ होगा, रेट वही 900,000 रुपया और साफ वाफ करके जाएगा 1200-1300-1400 रुपये पड़ेगा। मुर्गी का ले लीजिए उसी एफ ब्लॉक की मार्केट में, एक मलिक साहब है, दो तीन और मुर्गियों वाले हैं, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुर्गी काटी, तकबीर पड़ी नहीं पड़ी, ड्रमों में फेंकी जा रही है, सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं, बिल्लियां घूम रही है, कुत्ते घूम रहे हैं। क्या यूरोप में ये होता है? हम मिसालें देते हैं, वजीर आजम इमरान खान यूरोप की मिसाल देते हैं, यूरोप में ऐसे होता है। गोश्त की दुकान देखी आपने, आप वहां पढ़ते थे, मैं भी जाता हूं, हम सब जाते हैं, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। क्या वहां सब्जी की दुकानें ऐसी हैं? वहां तो सब्जी की वो सब्जी ऐसे होती है जैसे लाखों रुपए का खूबसूरत सूप सिला हुआ, बेहतरीन चमकदार हर चीज, कद्दू बैंगन आलू फल, खूबसूरत फल बेचने वाले खुश मिजाज। अब यहां क्या हाल है, यहां क्या हाल है उनका, उन्होंने क्या हाल कर दिया हुआ है। लिहाजा हमें खुद एहतसाबी करनी होगी। ये जितने भी सरकारी रेट्स हैं कोई चीज नहीं मिल रही, नथिंग। मैं बबांगे दोहल हम आपको कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ किसी स्टोर पे चले चलिए, जो भी डीसी काउंटर्स बने हुए हैं बाजार में, तो खैर जो आम सब्जी वाला वो तो देता ही ना, रेड़ी वाले ने क्या देना है, उसको छोड़ दें। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटरों पे आप फल की हालत देख लें, आप किसी चीज को देख लें, कोई नहीं पूछ सकता। आप कपड़े की दुकान पे चले जाएं, आप ग्रोसरी शॉप पे चले जाएं, जो मुंह से निकल गया वही लेना है। तो हम तो दुआई कर सकते हैं कि परवरदिगार हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे, कोई एहतसाबी अमल ऐसा शुरू हो। ये नैब ने तो बाकी जो एहतसाब क्या करना है, ये जो जिली इंतजामिया खुदा के लिए यही एहतसाब कर दे तो आवाम को यही बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। वो तो बड़ों के पीछे लगे रहे, एजेंसियां लगी रहे बड़ों के पीछे, उनसे पैसे निकलवाए, उनकी जायदादें जब्त करें। अवाम के लिए हुक्मरानों, अवाम के लिए तो आप मसीहा बने, लंबे लंबे करोड़ों को मत छोड़ें, ये छोटे छोटे लोगों को जिंदा रहने का हक दें। खाने पीने की अशिया 10 गुना महंगी कर दी जाती है, 2 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए की चीज 500 रुपए में बिकती, कोई पूछने वाला नहीं। जो फील्ड स्टाफ है उनसे गुजारिश करेंगे कि बच्चों मेहरबानी करो, ये अल्लाह ने आपको अगर ओहदे दिए हैं, इसकी आप तनख्वाह लेते हैं, तो मेहनत कीजिए और अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाइए। नाज़रीन हम कोशिश कर रहे हैं कि लंदन में हमारा राब्ता हो जाए, हमारे बड़े मेहरबान, हमारे दोस्त, हमारे बड़े स्वीट फ्रेंड जनाब आसिफ चोई साहब डायरेक्टर हैं TV99 के, हम उनसे राब्ते की कोशिश कर रहे हैं कि आया वहां ये जो किचन प्रोडक्ट्स हैं, ये जो नॉनस्टिक और दूसरे बर्तन हैं, उनका वहां क्या हाल है, वहां क्वालिटी पे क्या कंप्रोमाइज होता है, और अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज हुई है तो उस पर कॉम्पनसेशन क्या है, कैसा शुरू किया जाता है। हमारी कोशिश है, हम चॉइस साहब से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ही हमारा रब्ता उनसे होता है हम उनसे पूछते हैं और आपको वो शेयर भी करवाते हैं। लिहाजा लेट्स ट्राई के चॉइस साहब आसिफ चॉइस साहब, तो नाजीन चॉइस साहब का नंबर अंगेज आ रहा है, वो मसरूफ होंगे, इंशाल्लाह हम एक और कोशिश करते हैं लंदन में ही हमारे दूसरे साथी जो दोस्त हैं नदीम साहब से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि हम अपना घर तो ठीक करें, हम लंदन अमेरिका चाइना इंडोनेशिया मलेशिया तो बात की बात है, हम यहां ही अभी देख क्या भुगत रहे हैं, क्या हो रहा है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है कि खुद एहतसाबी करें और मामला ठीक करें। इंशाल्लाह अजीज हम ये जहाज जारी रखेंगे, वो मेट्रो कैश एंड कैरी हो, डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करेंगे,
कि पेट्रोल पंपों पे बुरा हाल है, पेट्रोल 2 रुपए दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, ऑल्ट्रेशन है, गेज खराब है, बहुत बड़ा जुल्म है। लिहाजा मेहरबानी फरमा के पेट्रोल पंपों पे भी जुल्म की इंतहा हो गई है। दूध का तो हाल जो हो गया है वो आपके भी सामने है, पेट्रोल का हाल जो हो गया है वो अवाम का कचूमर निकाल के रख दिया है। 100 रुपए लीटर या 70 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर वाला जो है वो जाके 100 से ऊपर पड़ रहा है। गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो रहा है, बुरा हाल हो गया है। मेंटेनेंस पे ऊपर 1000 रुपए खर्च हो जाते हैं। गरीब आदमी का मोटरसाइकिल बर्बाद हो गया, दरमियाने दर्जे की गाड़ी बर्बाद हो गई। लिहाजा बराहे करम इनको भी तनावे खेचे, इनकी ब्राइडल्स खेचे, इनको रिप्रीमांड करें, इन जुर्मानों से नहीं, जब तक कैद में जिंदा खानों में नहीं डाले जाएंगे ये नहीं सुधरेंगे। एक छोटा सा वक्फा, हम यूं लौटे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द ग्रेट व्यूअर्स। हमारी मुसलसल कोशिश है कि हम लंदन में अपने ऑफिस से जो जनाब चौधरी आसिफ साहब से रब्ता कर सकें। हमारा रब्ता हो गया तो हमें जरा पॉजिटिव या जिस किस्म की भी वहां जो भी किचन के प्रोडक्ट्स हैं, किचन की जो हमारी यूटेंसिल्स हैं, उनके बारे में हमारी कोशिश होगी कि हम लंदन से और जहां जहां से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि हम भी बेहतर कर सकें। हमारा मतलब मकमा नजर कोई नेगेटिव प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हमारा मतलब, हमारा मकसद, हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हमें बिल्कुल बेवकूफ न बनाया जाए कि नॉनस्टिक के चक्कर में या बंद डब्बों में जो दूध मिल रहा है। अब आप नॉनस्टिक पे बहुत बात होगी, तवों पे बहुत बात होगी, पैन पे बात होगी, मुर्गियों पे बात होगी, अंडों पे बात हो गई, ये हम किसके लिए कर रहे हैं? हम आपके लिए कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम सब पे कर रहे हैं। हर चीज पे 5 दफा टैक्स है, टैक्स की भरमार, सेल टैक्स, फ्लान टैक्स, फ्लान टैक्स। रिटर्न में भाई आप हमें क्या दे रहे हैं? आप हमारा खून इस तरह ना निचोड़े। लिहाजा हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ये जो मफाद आमा के प्रॉम है इनके ऊपर जोर दें और इसकी क्वालिटी बेहतर बनाएं, क्वालिटी बेहतर बनाएं, और जितने हम पे कर रहे हैं उसमें हमें क्वांटिटी पूरी मिलनी चाहिए। गोश्त तौल में पूरा होना चाहिए, हड्डियां डाल दी जाती हैं, 2 किलो 2.5 किलो क्यों ना कर दें। सब्जी में गला सड़ा, फल में पूछे वाला को नहीं। फल की बात से हमें याद आ गया कि मॉडल टाउन लिंक रोड पे ही हुंडा बोर्ड के बिल्कुल करीब पहलवान जी फल वाले हैं। दुनिया में मेरा ख्याल सबसे महंगा फल उनका है, उनको कोई शख्स पूछने वाला नहीं है। फूड वाले खामोश, प्राइस कंट्रोल वाले जो सुपरवाइजर हैं, इंस्पेक्टर साहबान हैं, जो कमेटियां जो भी हैं सब बेबस हैं। बड़े बड़े जो फ्रूट मर्चेंट्स हैं उनको कोई नहीं पूछ सकता। बड़े जो जितने शॉपिंग सेंटर है उन पर आप बात भी नहीं कर सकते, लिखी हुई प्राइस है, ओके ठीक है। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो भी तो आवाम का भी ख्याल रखे। इतवार बाजार में तो अब हमने दुखी होकर जाने छोड़ दिया, लिहाजा एक्सक्यूज मी, हम आपको ज्यादा डिप्रेशन का शिकार नहीं करते। हम इसके बाद इंशाल्लाह अजीज अगला प्रोग्राम सिविल एविएशन पे करने जा रहे हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां एयर मार्शल साहब जो तशरीफ लाए हैं उन्होंने कहा जी मैंने आते ही अरबों रुपया कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम पूछेंगे कि जनाब अलादीन का चिराग जो है वो कहां आपने रगड़ा कि अरबों रुपए की बचत होगी, माड़े और गरीब लोगों को निकाल दिया गया, सीजन कैप्टन को निकाल दिया गया, क्यों निकाला गया, उस पर हम बात करेंगे। फेक डिग्रीज ये है वो है, तो वो प्रोग्राम एक सेपरेट होगा इंशाल्लाह हमारा। और इसके बाद हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम और करने जा रहे हैं, जिस तरह ये आज हमने किचन प्रोडक्ट्स और घर की जो कुकिंग की प्रोडक्ट्स हैं, बर्तन हैं, इनके ऊपर बात की, इस तरह एक और हम ये जो मोटर व्हीकल्स हैं इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। बड़ा फ्रूटफुल प्रोग्राम होगा और बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा कि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है ये क्या कर रही है, ये लोगों के साथ क्या सलूक कर रही है। ये नॉन फाइलर और फाइलर के चक्कर में जो घन चक्कर शुरू किया हुआ उन्होंने कि जो प्राइस पूछो उसमें अगर टैक्स जो है फाइलर है तो उसको उसमें भी डंडी मारी जा रही है, बात ही नहीं कर सकते आप। और पुर्जे
जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके ऊपर इम्पोर्टेड जापान लिखा जा रहा है, जबकि जापान ने अपनी इंडस्ट्री सारी बाइंड अप करके हमारे घर में भेज दी, पाकिस्तान में भेज दी, मलेशिया में लगा दी, सिंगापुर में, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फलां फलां, और हमें धोखा दिया जा रहा है, हमसे स्पेयर पार्ट्स दो नंबर बन रहे हैं। उसके ऊपर मुफस्सल एक कंक्रीट प्रोग्राम होगा और खसूसन हम आपको जो प्रोग्राम करेंगे उस पर हमारी बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, और वो प्रोग्राम होगा होंडा एटलस कार के ऊपर, उसके साथ जो उसके बायर्स हैं, उसके पुरुषों के साथ क्या हशर किया जा रहा है, स्पेयर पार्ट्स के ऊपर क्या हशर किया जा रहा है। यूसुफ चिराजी साहब जो हैं उसके चेयरमैन, वो उन्होंने जीरो से प्रोग्राम शुरू किया, बहुत बड़ा उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उनके नीचे जो काम करने वाले वो आवाम के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम तक। अपने मेजबान यकूब जावेद कमैना को इजाजत दीजिए, और अपना हम बार बार कहते हैं अपना सारा ख्याल रखते हैं, पाकिस्तान का ख्याल रखना है। हाँ इंशाल्लाह अजीज, अगले प्रोग्राम में हम हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान में जो एक सुसाइडल अटैक हुआ है वो हमें उस पर बेहद अफसोस है, इंसान का ज्या, इंसानी जान का ज्या, वो दुश्मन का बच्चा भी नहीं मरना चाहिए, तो हमारे पड़ोसी हैं, हम इकट्ठे सदियों से इकट्ठे रहे, बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, वो अलहदा खुशहाल रहे, हम अलहदा खुशहाल रहे, लेकिन ये जुल्म नहीं होना चाहिए। हमारी बेनजीर वजीर आजम शहीद कर दी जाए तो फिर भी हमारे ऊपर आप मलबा डाल देते हैं कि हमने, आप मानने के लिए तैयार नहीं होते, आपने बाबरी मस्जिद की ईंट से ईंट बजा दी, रेत में आपने उसको जरा जरा भी तब्दील कर दिया, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, वो भी हमने की। बहुत सी बातें आपके साथ करेंगे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह अजीज, हिंदुस्तान के साफियों, हिंदुस्तान की आवाम, उनके साथ बिल्कुल तराजू रखेंगे कि फैसला आप पे है, बताइए मश्की पाकिस्तान तोड़ने का, बबागे तोल ऐलान आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया कि वो इस पाकिस्तान जो बांग्लादेश बनाया आपने बनाया, और हम आपको आपका चेहरा दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह अजीज, अपने हमारे प्रोग्राम पसंद करते रहिए, हम इंशाल्लाह आपके मियार पे पूरा उतने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।